एनवीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूँ अचलेंद्र पटियाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। आप देख सकते हैं कि दर्शकों की एंट्री है वो शुरू हो चुकी है। गेट नंबर है वहाँ पर का बहुत जोर शोर से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम पिच की बात करें तो पिच जो है कहीं ना कहीं जो है टॉस जीतने वाले फेवर करेगी, जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको एक एडवांटेज लगता है। लेकिन अगर पहले खेलने वाली टीम ने एक बार अच्छे रन बटोर लिए और स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जाहिर सी बात है कि जो दूसरी टीम होगी जो बाद में बल्लेबाजी करेगी उसके लिए चेस करना उतना आसान नहीं होगा। ये इनका मैच है, एक टीम का फैक्टर भी इस मैच में अपनी भूमिका निभाएगा। कहीं ना कहीं अभी तक जितने जो मैच खेले गए हैं उसमें पहले खेलने वाली जो टीम है उसका पलड़ा भारी रहा है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम जो है उसकी जो पिच रही है पहले से भी और अभी स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजों की पिच रही है और परफेक्ट पिच है, जिसमें बल्लेबाजों की बहुत कुछ होगा, स्पिनर्स की भी बहुत कुछ होगा और जब मैच आगे बढ़ेगा तो पिच स्पिनर्स को भी मदद कर सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म को पैक है, जिसमें बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ होगा और उसके साथ साथ जो है तेज गेंदबाजों के लिए और कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए भी बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन अफरीदी पर सबकी नजरें रहेंगी, भारतीय स्क्वाड में कप्तानी जोड़ा पर भी नजरें रहेंगी। बल्लेबाजी में बात करें कि रोहित रोहित को लेकर के, विराट को लेकर, हार्दिक को लेकर के बहुत जबरदस्त उत्साह है और शुभमन गिल को लेकर के भी काफ़ी उत्साह है। तो कहीं ना कहीं एक बैटिंग पिच है एक बड़ा टोटल बनने की उम्मीद है। ऐसे में जो टॉस है उसकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेदर जो है अहमदाबाद का वो पल पल बदल रहा है, कहीं ना कहीं बदल रहा है और उसमें कहीं कहीं पिच पर धूप खिल जाती है और कुछ देर के लिए बादल आ जाते हैं। एक मिला जुला मौसम है, हल्की सी उमस भी है। अब जो है दर्शकों जो इंतजार है वो इंतजार इस बात का है कि 12 बजे और 12 बजने के बाद हरकीर सिंह, सुखविंदर सिंह और सुखविंदर महादेवन की जो प्रस्तुति है उसका वो आनंद लें और उन गानों का आनंद लेने के बाद फिर दोनों टीमों के बीच ट्रांस होगा और एक महा मुकाबला जिसके लिए बहुत दिनों से जो फैंस इंतजार कर रहे थे वो मुकाबला शुरू हो।